हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट्स में आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट्स में। आज की वीडियो में स्कूल सप्लाईज में आपको एक पेन होल्डर बनाना सिखा रही हूँ जिसमें सीजर का यूज नहीं है, फेविकॉल का यूज है, सीजर का बहुत थोड़ा सा यूज है वो भी लास्ट में। तो बड़े को सुपरविजन में करे जो भी बच्चे अगर इसको बनाना चाह रहे हैं तो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट्स जल्दी पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम पेन होल्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दो कलर के पेपर लिए हैं, ब्लू और येलो। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी लेना चाहते हैं तो आप ले, ये कोई भी स्क्वायर शेप आप ले सकते हैं। मैंने 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया है, सारे पेपर इक्वल साइज के हैं, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर पेपर लिया है, इसको जस्ट मैं पहले हाफ फोल्ड करूंगी। फोल्डिंग्स ध्यान रखिए, इसमें जस्ट मेन काम फोल्डिंग का ही है। ये सेंटर में एक लाइन आ गई है, अब दोनों साइड से हम हाफ हाफ फोल्ड कर देंगे। मैंने थोड़ा सा थिक पेपर लिया है ताकि मेरा पेन होल्डर थोड़ा मजबूत बने। ये हम इतना फोल्ड करने के बाद यहाँ बचे हुए पोर्शन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब दोनों तरफ से हम यहाँ सेंटर में लेकर आएंगे। इसको फोल्ड करने में थोड़ा सा जोर लग रहा है क्योंकि पेपर थोड़ा हार्ड है। आई होप आपको फोल्डिंग समझ में आ रही हो। के बाद हम इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। देन हमारी फोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर ले रही हूँ। ये फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे इसको। यहाँ फेविकॉल लगा के तो थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे ताकि ये पेस्ट हो जाए। ये आप देख सकते हैं ट्रायंगल शेप में आ गई है। इसी तरीके से हम सारे पेपर्स को फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सबका फोल्ड रेडी कर लिया है, 3 ब्लू एंड 3 येलो। मैं सबको पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करने के लिए मैं ग्लू गन की हेल्प ले रही हूँ ताकि जल्दी से पेस्ट हो जाए। मैं आपको पॉज करके नहीं, साथ साथ ही पेस्ट करना सिखा रही हूँ, इसलिए मैं ग्लू गन का हेल्प ले रही हूँ। आप फेविकॉल से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ब्लू और एक येलो करके हम पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। मेरी कोई भी वीडियो पॉज लेकर दूसरे टाइम पे बनाई हुई नहीं होती है, इसलिए मेरी वीडियो में जो भी चीजें हैं वो बहुत ही जेन्युइन और वैसी की वैसी ही बनी हुई है जैसी मैंने आपको दिखाई है। यहाँ दोनों तरफ इसलिए लगाया है, ये कुछ इस तरीके से हमारा पेन होल्डर रेडी है। अब हम नीचे के बेस को कट करके पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक येलो पीस का पेपर लिया है और जैसे मैंने आपको ज्वाइन करना बताया था, ये ज्वाइन करने के बाद मैं इसको यहाँ सेंटर में रख के मैं यहाँ थोड़ा सा रफली ड्राइंग बना रही हूँ ताकि मुझे एक प्रॉपर शेप मिल जाए। एक रफली शेप है, इसको मैं सीजर की हेल्प से कट कर ले रही हूँ। यहाँ के एजेस में थोड़े कर्व कर दिए मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरीके से इसको कट कर दिया है, जो कि मैं कुछ इस तरीके से इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड, तो मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसके एजेस पर थोड़ा थोड़ा सा लगा दे रही हूँ।
फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो ये हमारा पेन होल्डर रेडी है। अब मैं इसमें आपको सारे पेन पेंसिल्स डाल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा पेन होल्डर रेडी है, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। आप देख सकते हैं मैंने कितनी जल्दी और कितना अच्छा पेन होल्डर बना लिया है। इसे बनाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप इसे कलरफुल बनाना चाहते हैं तो अलग अलग पेपर्स के साथ भी आप बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।